दोस्तों, आज की कहानी है माँ बहू घूंघट नहीं करती हैं, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम बैठो, श्रुति थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। श्रुति को हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए केशव ने कहा, तो श्रुति मुस्कुराते हुए केशव का हाथ पकड़ते हुए बोली, बाहर से क्यों केशु, रसोई का सामान तो लग ही चुका है, तो मैं घर पर ही खाना बना लेती हूँ, बस तुम सब्जी दूध और बाकी के जरूरी सामान ले आओ, ठीक है। कहते हुए केशव बाहर निकल गया। नए घर में श्रुति न तो खुश हो पा रही थी न ही दुखी। उसे एक तरफ तो किराए का ही सही, पर सुकून भरा घर मिला था, वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार सूट गया था। पर क्या करती, श्रुति उस परिवार में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। 5 साल हो चुके थे उसकी शादी को। 5 साल पहले जब वो उस परिवार में बहू बनकर आई थी, तो उसने पूरे मन से उसे अपना माना था, पर उस परिवार को श्रुति फूटी आंख से भी न भाई थी, क्योंकि श्रुति एक होशियार लड़की थी। वो यूं ही किसी की भी हाँ में हाँ न मिलाती, वो अपनी सोच अपने दिमाग से काम लेती। बस यही बात उसके जेठ जेठानी और सास को पसंद नहीं आती, क्योंकि अभी तक केशव तो सिर्फ वही बोलते सुनते थे जो उनका परिवार बोलता। पर श्रुति सही गलत का अंतर बहुत अच्छे से जानती थी। केशव को अपनी उंगलियों पर नशाने वाले लोगों को श्रुति का यूं सही बात बोलना और करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। श्रुति ये सारी बातें केशव को बताती जरूर, पर श्रुति ने कभी भी ये नहीं सहा कि केशव उसके साथ उसकी तरफ से बोले। वो तो अपने ऊपर हो रहे किसी भी जुल्म के खिलाफ अकेली ही खड़ी होती, बस उसकी यही आदत तो किसी को पसंद नहीं थी, और सभी कान के कच्चे केशव को उसके खिलाफ भड़काते रहते, और श्रुति उन्हें समझाती रहती कि वो गलत नहीं है। पर केशव कभी समझे ही नहीं। उस दिन केशव घर पर ही थे, तबीयत ठीक न होने की वजह से श्रुति ने ही उन्हें घर पर रोक लिया था। पर ये बात जेठ जी और उसकी सास को पता नहीं थी। उस दोपहर में सासू जी और जेठ जी बीस आंगन में बैठ आदत के मुताबिक श्रुति को जली कटी सुना रहे थे। जेठ जी अपनी माँ से बोल रहे थे,
माँ बहू अब घूंघट नहीं करती, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर आराम से फरफराती रहे तुम्हारी छोटी बहू पूरे घर में। तभी सासू माँ बोली, ऐसे कैसे चले जाओगे तुम, बहू तुमसे माफी मांगेगी आखिर, उससे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। श्रुति ओ श्रुति इधर आओ, श्रुति रसोई से भागी हुई आई। जी माँ जी, श्रुति तुम मुँह तो पहले ही सलाती थी, अब आज कल मुँह खोल कर भी घूमने लगी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में ऐसे घूमने की। श्रुति थोड़ा सोचते हुए बोली, माँ जी वैसे तो जब मुझे पता होता है कि जेठ जी घर में है, मैं हमेशा सर ढके रहती हूँ, पर जेठ जी का तो पता नहीं सलना न कि कब अंदर आ जाते हैं, तो हो सकता मैं ऐसे ही खड़ी रह गई हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो तुम मेरे बेटे से इसके लिए माफी मांगो और आगे से ख्याल रखना। स्वाभिमानी श्रुति को बिना गलती किसी के सामने भी झुकना मंजूर न था, तो उसने जेठ जी से माफी मांगने से साफ मना कर दिया। अब तो जेठ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो श्रुति के साथ केशव को भी बुरा भला बोलने लगे। वो बोले कि केशव ही अपनी बीवी को सपोर्ट करता है, वो मेरी इज्जत नहीं करता, अगर वो मेरी इज्जत करता तो अपनी बीवी को काबू में रखता। जब मैं इस घर से चला जाऊंगा तो ये दोनों बहुत खुश होंगे, हवन करवाएंगे। हवन ये बात अंदर लेटे केशव सहन नहीं कर सके और बाहर आकर अपने भाई और माँ से रोते हुए बोले कि मैं तो अब तक हर बात आप लोगों की ही मानता था, मैंने तो कभी श्रुति की बात सुनी ही नहीं थी, अगर आज की ये बातें मुझे श्रुति बताती तो मैं उस पर विश्वास ही नहीं करता, जैसे अब तक उसकी किसी बात पर नहीं किया, पर आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप लोग मेरी बीवी के साथ कितना गलत करते हो। अब बस मैं ही इस घर में नहीं रहूंगा, अब आप लोग हवन करवा लेना। और केशव बाहर निकल गए। जब वापिस आए तो साथ में किराए के घर की चाबी और सामान भरने के लिए गाड़ी साथ लाए थे। श्रुति के मना करने के बावजूद केशव नहीं माना और वो दोनों इस किराए के घर में आ गए थे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से श्रुति ख्यालों से बाहर निकली और दरवाजा खोला। सामने केशव राशन का सामान लेकर खड़े थे। श्रुति ने कुछ सामान केशव के हाथ से लिया और अंदर आ गई। सामान रख कर केशव ने एक गहरी नजर श्रुति के चेहरे पर डाली,
फिर उदास होकर बोला, श्रुति मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगता था कि मेरी माँ और मेरे भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, पर आज जब पता चला तो मुझे वहाँ एक दिन रुकना भी गवारा नहीं था। आखिर मैंने शादी के समय तुम्हारे सम्मान की रक्षा का वादा किया था। श्रुति अभी तो बस हमारे बस में ये किराए का घर ही लेना था, पर बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारा अपना घर दूंगा, ये वादा है मेरा। कहते कहते केशव ने श्रुति को अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार श्रुति को अपने साथ गलत होने पर पति का साथ मिला था, तो श्रुति ने भी केशव को अपनी बाहों में भर कर आंखें बंद कर ली और सोचने लगी, आपका साथ मिल गया तो मेरे लिए तो यही घर मेरे सपनों का घर हो गया। अब कोई और घर मिले न मिले, बस तुम्हारा साथ यूं ही बना रहे।